नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब कोई ग्रह जीवन में बाधाएं, समस्याएं और विपत्तियां उत्पन्न करता है तो हम उस ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं। आज हम बात करेंगे मंगल के दान के बारे में। मंगल अगर जीवन में कठिनाइयां दे रहा हो, समस्या दे रहा हो, तो कौन सा दान करना चाहिए, किस तरह का दान प्रभावशाली होगा और किस तरह के दान से कौन सा लाभ होगा, ये आज जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 जनवरी 2024 दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:48 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 2:46 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 जनवरी 2024 दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, ग्रहों के लिए हम दान करते हैं तब जब कोई ग्रह अशुभ परिणाम देता है या हमारी कुंडली में खराब होता है। मंगल के खराब होने के क्या परिणाम होते हैं पहले ये जानते हैं। देखिए, मंगल हमारे जीवन में साहस और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। इसके कमजोर होने पर व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कमजोर हो जाती है। व्यक्ति को संपत्ति के मामले में और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंगल व्यक्ति को कभी कभी रक्त संबंधी समस्याएं भी देता है और मंगल अगर कुंडली में खराब है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है, कभी कभी जेल के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर विवाह भाव से मंगल का संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और वैवाहिक जीवन में आम तौर पर हिंसा आ जाती है, वायलेंस आ जाता है। तो मंगल आपके जीवन में अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो मंगल को बेहतर करने के बहुत सारे तरीके हैं। दान भी उनमें एक तरीका है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे
स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन रहेगा, परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, वाणी की वजह से अपयश मिल सकता है, दूसरों के साथ वाद विवाद से बचाव करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने सुलझ जाएंगी, करियर में कोई नया अवसर सामने आ सकता है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल आपकी कुंडली में अशुभ है, आपकी कुंडली में खराब परिणाम दे रहा है, तो कौन से उपाय करना लाभकारी होगा। मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए कई उपाय कर सकते हैं। अपने आचरण को ठीक कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं, रत्न का प्रयोग कर सकते हैं और मंगल की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इन सब चीजों को करने से आपका मंगल शुभकारी हो जाता है। लेकिन अगर मंगल जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है तो मंगल से शीघ्र लाभ के लिए दान जरूर करना चाहिए और दान मंगल का जो होगा वो किसी निर्धन व्यक्ति को करेंगे या हनुमान जी के मंदिर में करेंगे तो मंगल के दान बिल्कुल ठीक होंगे और दान की वजह से मंगल का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, चली आ रही समस्याएं दूर होंगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है,
नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की तमाम समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि मंगल की किस तरह की समस्या जीवन में है और किस तरह की समस्या को सुलझाने के लिए कौन सा दान करें। अगर मंगल के कारण स्वास्थ्य की समस्या है तो लाल फल का दान करें, ज्यादातर सेब का और अनार का दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको मंगल की वजह से आत्मविश्वास की समस्या है तो मंगलवार को बूंदी का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर संपत्ति संबंधी कोई समस्या है या जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो मसूर की दाल का दान करें, लाल मसूर की दाल का या जौ का दान करना बेहतर होगा। अगर कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो तांबे की वस्तुओं का या लाल कपड़े का दान करना अच्छा होगा। अगर कोई मुकदमा पुराना चला आ रहा है या कोई विवाद हो रहा है, बार बार वाद विवाद में फंस रहे हैं, तो मंगलवार को मीठी चीज का दान करना अच्छा होगा। मंगल जब भी समस्या दे, छोटी समस्या दे या बड़ी समस्या दे, मंगल जब भी समस्या दे नियमित रूप से गुड़ का दान करना लाभकारी होता है। हर मंगलवार को अगर आप गुड़ का दान करना शुरू करें, किसी निर्धन व्यक्ति को करें, हनुमान जी के मंदिर में करें या गाय को खिला दें, ऐसा करने से मंगल संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी, लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। इस समय आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, बड़े अवसर मिल सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नया काम आपका शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम टालने से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी,
जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो मंगल के दान कौन लोग कर सकते हैं और किन स्थितियों में करना चाहिए, ये तो आपने समझ लिया। मंगल के दान किन लोगों को नहीं करने चाहिए, देखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ परिणाम देने वाला ग्रह है तो मंगल का दान करना आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। दान करने का मतलब होता है कि आप उस ग्रह को अपने जीवन से निकाल रहे हैं, और अगर मंगल आपको शुभ परिणाम देने वाला ग्रह है और आप मंगल की वस्तुओं का दान करेंगे तो मंगल की शुभता आपके जीवन से कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मेष लग्न में मंगल कुंडली का स्वामी है, मंगल का दान मत करिए। कर्क लग्न और सिंह लग्न में मंगल सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है, योग कारक है। कर्क लग्न और सिंह लग्न में भी मंगल की वस्तुओं का दान मत करिए। वृश्चिक लग्न में, हालांकि मंगल लग्न का स्वामी है, लेकिन वृश्चिक लग्न में विशेष दशाओं में मंगल का दान कर सकते हैं। धनु लग्न में मंगल की वस्तुओं का दान मत करिए, मंगल यहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मीन लग्न में भी मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। मीन लग्न में भी मंगल की वस्तुओं का दान करने से जीवन में आपके दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब ये बात समझिए कि जिस कुंडली के लिए मंगल महत्वपूर्ण है ऐसे लोग मंगल की वस्तुओं का दान कभी ना करें। मिथुन लग्न के जो लोग हैं और कन्या लग्न के जो लोग हैं इनके लिए मंगल सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है। तो मिथुन लग्न में और कन्या लग्न में आप बिना कारण के भी बिना वजह के भी अगर मंगल की वस्तुओं का दान करें तो आपको लाभ ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। मिथुन लग्न और कन्या लग्न के लिए मंगल सबसे नकारात्मक है, इसलिए यहां पर मंगल की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए मंगल कभी कभी न्यूट्रल होता है लेकिन ज्यादातर मारक परिणाम देने में सक्षम होता है। तो वृषभ लग्न में और तुला लग्न में मंगल की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। और मकर लग्न और कुंभ लग्न में मंगल के पास एक भाव ठीक होता है और एक भाव खराब होता है, तो यहां पर भी ज्यादातर मंगल नकारात्मक फल देने में सक्षम होता है, इसलिए मकर लग्न में और कुंभ लग्न में मंगल की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और जैसा आपको पहले भी बताया कि मंगल की वस्तुओं में सबसे अच्छा दान होगा कि आप गुड़ का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, हनुमान जी के मंदिर में दे आएं, गाय को खिला दें, ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अपनी त्वचा को और अपनी याददाश्त को अच्छा रखना है तो रोज सुबह कम से कम 5 बादाम का सेवन करिए। रात में 5 बादाम पानी में भिगा लें, सुबह उसको छील करके 5 बादाम का सेवन करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जान लेते हैं 3 जनवरी 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 3 जनवरी को प्रातः काल भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाइए और घर से निकलते समय इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।